जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम रणवीर सिंह है, मैं 8 साल का हूँ। मैं मोदी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, ये जो 3 काले कानून और जो पराली वाले कानून में, बिजली वाले कानून में जो बदलाव करे हैं वो वापस लें, क्योंकि इसमें फ़ायदा अडानी और अंबानी का है और जो बाकी सारे लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो बर्बाद हो सकते हैं। इसके लिए ये जो 3 काले कानून है ये रद्द करें। हमारा देश पहले भी गुलाम था ईस्ट इंडियन कंपनी का, जिसमें थे अंग्रेज लोग, उनसे लड़े थे हमारे दादा परदादा, उनसे मुक्ति दिलवाई थी भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने। मोदी वापस से भी वो ईस्ट इंडियन कंपनी लाना चाहते हैं, जिसमें होंगे अडानी और अंबानी, उनसे लड़ेंगे हम। मोदी से भी पहले एक राजा था वजीर खान, उसने जो हमारे 2 छोटे साहबजादे थे और जो माता गुजरी थी उनको ठंडे बुर्ज में रखा गया था, उनको बड़ी सारी सजाएं दी थी, उनको तकलीफ दी थी। उन्होंने जब वजीर खान की बात नहीं मानी तब दो छोटे साहबजादे थे उनको दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया था। जब तक वो नहीं डरे तो हम क्यों डरे? हम भी उसी गुरु के बच्चे हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं, तो हम क्यों डरे? मोदी तो उससे कमज़ोर है और मोदी उससे भी ज़्यादा झूठा है, तो हम मोदी से क्यों डरे? 40 से भी ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, पर मोदी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। भगवान ये सब कुछ देख रहे हैं, भगवान इसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जैसे ये पहले चाय बेचता था, चाय बेचने लग जाएगा। जो इसके दोस्त हैं अंबानी और अडानी, उनका तो ये गुलाम है ही है, पर हमें भी उनका गुलाम बनाना चाहता है, पर हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम लड़ेंगे, अपना हक लेंगे और जीतेंगे। मैं सिंधु बॉर्डर गया था, वहाँ पर देखा था जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो किसानों को आतंकवादी बताते हुए, न्यूज़ चैनल है जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, आज तक, रिपब्लिक भारत, इन सारे चैनल का बायकॉट होना चाहिए। ये मोदी के चैनल है इसके लिए। और एक है चैनल जो थोड़ी थोड़ी ठीक खबरें बताता है किसानों के बारे में, वो है NDTV इंडिया। आपको एक और बात बताऊँ, ये जो अंबानी और अडानी है, उन्होंने टीन का गोदाम 2017 में ही बनाना शुरू कर दिया था, जिसको बोलते साइलो, ताकि ये फिर मोदी ने 3 काले कानून बनाए, जिसमें ताकि जो अंबानी हैं और अडानी हैं वो बाज़ार से सस्ते में खरीद ले, और बाद में जब सब लोगों को भूख लगे और जब बाज़ार में खाना ना हो तब महंगे दाम में बेचे, लूट मचाए। मोदी ने पहले बोला भी था कि मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा। जब बुलेट ट्रेन लाया नहीं, पर दूसरी ट्रेन भी भेज दी जो हमारी ट्रेन थी, एरोप्लेन भी भेज दिया, सब कुछ भेज दिया। वो बोल रहे किसानों का मैं भला करूंगा, उन लगता है तो वो हमारी ज़मीन भी बेच देगा। आपको एक और बात बताऊँ, आप सुबह सुबह तो भगत सिंह स्टेडियम आ जाते हो, आप कभी रात को आए हो यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग के साथ रहे हो? मैं रात आज भी रहूँगा और नया साल करता हूँ, आप भी आओगे। इनकलाब, काले कानून, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु की। इन्ने छोटे छोटे बच्चों के हौसले इन्ने बुलंद है कि उन्हें केंद्रीय सरकार को याद दवा दिता है कि वह की है। अगर छोटे छोटे बच्चे इन्ने हौसले दे नाल बोल रहे ने, इन्ने डटे हुए ने, तो जिन्ना किसान वीर ने दिल्ली नू घेरा पाया होया है, वह तो गुरु की एक अद्भुत ही फौज है। वह दिन दूर नहीं जदों जिन्हें भी अपने किसान वीर ने अपनी जंग जित के जल्दी अपने घर वापस परतन, होर भी अपडेट लैके जल्दी हाजिर होवेंगे। जल्दी अपडेट ली जुड़े रहो PV News। धन्यवाद।